आप भी जानते ही हैं कि इस साल अप्रैल के महीने में ऋषि कपूर का निधन हुआ। कैंसर से लंबे समय से जूझने के बाद लगभग 2 साल से कैंसर की बीमारी को हराने की कोशिश में जंग लड़ने के बाद आखिर में ऋषि कपूर ने अपनी ज़िंदगी से नाता तोड़ा। लेकिन आखिरी समय तक जिस ऋषि कपूर की हालत बेहद दर्द भरी थी, दुख भरी थी, जिन्हें देखकर खूब रो रही थी मां नीतू और उनके बेटे रणबीर कपूर, आज उस नीतू कपूर की ज़िंदगी कैसे बदली। ऋषि कपूर के निधन के ठीक 4 महीने बाद यानी कि अप्रैल में उनका निधन हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, माफ कीजिएगा, 5 महीने बाद नीतू कपूर को देखा गया है ठुमके लगाते हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतू कपूर आखिर ठुमके किनके साथ लगा रही थी, तो आपको बता दें, डांस करती हुई मास्टर के साथ नजर आई हैं नीतू कपूर और खूब हो रहा है तेजी से वायरल नीतू कपूर के डांस का वो वीडियो जिसमें नीतू को पहली बार इस तरह से ठुमके लगाते देखा गया, वो भी अपने बेटे रणबीर कपूर के फिल्म के सॉन्ग पर। जी हाँ, उनके ही फिल्म के गाना, जी हाँ, ये जवानी है दीवानी उनकी फिल्म के गाना घाघरा पर डांस करते नजर आई नीतू। वैसे तो नीतू ने 1983 तक 10 साल की अपनी करियर में 50 फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया है और ये आम बात नहीं। 1983 से लेकर 1973 से पहले वो नज़र नहीं आई थी फिल्मों में, लेकिन 10 सालों में 50 फिल्मों में काम करने वाली नीतू की करियर बेहद ज़बरदस्त थी। सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं। पति के जाने के बाद किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को व्यस्त रखने की कोशिश में वो हाल ही में डांस सीखती नजर आए। बुढ़ापे की इस उम्र में नीतू कपूर को डांस करते हुए देख लोग हैरान तो हुए। ब्लू टी शर्ट और डेनिम पहनकर नीतू कपूर ने जिस तरह से डांस किया है ये देखकर हर कोई हैरान है और आप भी हैरान होंगे ये जानकर कि नीतू की उम्र भी 62 साल है और 62 की उम्र में नीतू ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है वो आसान नहीं होता। दर्शकों, नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।